आज गांव में नहीं रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए, जैसा कि लग रहा है सुबह सुबह हम लोग ऑन रोड हैं और पूरी फैमिली गाड़ी में बैठी हुई है। हेलो हेलो करो सब जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, कहाँ हो दिख? तो ऐसे तो कल के ब्लॉग में बताई थी कि हम लोग कहीं बाहर प्लान कर रहे हैं, मैंने ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन सकल सा लग रहा है ना कि बस सब सो के उठे हैं और विदा मैंने चल दिए हम लोग। तो कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अभी करना है कि वहाँ जाके बताना है? चल रहे हैं नहाने। अच्छा, नहाने चल रहे हैं। तो टंकी का पानी खत्म है, बाहर जा रहे हैं नहाने। तो आज घर में नहाने का प्रोग्राम नहीं था तो हम लोग बाहर चल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए साथ में हमारे साथ ब्लॉग में और देखिए कहाँ हम लोग जाते हैं। मिलते हैं जल्दी ही हम लोग। धूप में पता ही नहीं चल रहा है क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है। धूप आ रही है ना सामने से, पता ही नहीं चल रहा है। सामने चले जाओ, अभी नहाएंगे उसके बाद गढ़ गंगा आए, वहाँ भी मिल जाएगा। और अभी गाड़ी पार्क करके यहाँ गंगा जी में उस पार जाने के लिए बोट होता है, तो इस पर भी नहा सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी भीड़ कम होती है और स्पेस होता है सामान वगैरह है। उस पर जाने के लिए बोट की व्यवस्था है, तो हम लोग बोट पर बैठे और देखिए इसका भी एंजॉय। यहाँ पे बोटिंग का भी होता है, स्टीमर का भी है। बोलो तो, बोलने से पहले सब हिला दिए। अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन बहुत पानी में रेत है, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, पूरा रेत रेत ही आ रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे और बहुत सारे लोग थे। लोग भी ठीक है।
लाइए अभी मजे हैं। ये हम लोग गढ़ गंगा आए हुए हैं यहाँ पे और देखिए कितना रस है। एक तो संडे का दिन है और ये हम लोग चेंजिंग रूम है, यहाँ पे सामान वगैरह भी रखते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत देर तक नहाते रहे हम लोग, अब चेंज वेंज कर लिए लेकिन पूरा बालू रेता सारा घुसा हुआ है कपड़े में। आ गए, चलिए चेंज कीजिए जल्दी जल्दी सब। जल्दी से कीजिए नहीं तो बनाएंगे वीडियो। क्या नाम है? हाँ हाँ संजय। चलो ठीक है, नैया पार लगाओ हम लोग की, उस पार से उस पार। चलो जय गंगे मैया की जय। तो यहाँ हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं थे, नाश्ता वगैरह नहीं किए थे, तो कहे ढाबा पे ही पराठे और चाय वगैरह ले लेंगे, कुल्हड़ वाली चाय जो ढाबे पे स्पेशल होती है। तो यहीं बैठ के हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सब, क्योंकि सबको भूख से हालत ख़राब है और खाली प्लेट दिखा रहे हैं कि देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत तेज हो गई है और सुबह सुबह तो बहुत आनंद आ रहा था और अब उसका मजा ले रहे हैं हम लोग। गाड़ी भी एकदम तपी हुई है। क्या हाल है गाड़ी का? सब पराठे खा के धुआं धुआं हो रहा है ना सबका, धुआं निकल गया। धुआं पानी सब इतना मिर्च, लाल मिर्च भी और हरी मिर्च भी डाल रखा था। ढाबे में जो पराठे खाएंगे ना उसका आनंद ही खराब कर दिया। बताओ सन्नी, कुछ कहना है तुझे? क्या तो पराठे मिर्च वाले पराठे खा के आए हैं। आलू प्याज का पैसा लिया गया है। बस पूरा मिर्च था, सिर्फ मिर्च, सिर्फ हरी मिर्च एकदम। उनका तरफ घुमा व्यू तो ये
वो हाँ गलत जगह बेच के लुआ था, हम की करो गुस्से में बनाया गया पराठा। आ गए हैं अभी भी लौट के और करीब अभी 1:15 बज रहा है और इतनी गर्मी है। और जब जाने वक्त तो बहुत मजा आ रहा था कि नहाएंगे गंगा जी में नहाएंगे और गर्मी थोड़ी सी कम होगी मैंने, और अच्छा भी लग रहा था जब तक हम लोग पानी में थे वहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही बाहर निकले इतनी तेज गर्मी लगी और फिर आए हम लोग वहाँ से। लेकिन कोई बात नहीं, आज का सुबह सुबह ठीक ही रहा। थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गए, तो 1 घंटा लेट होता है कोई किसी काम में तो फिर आगे लेट होते चला जाता है। तो ऐसे और यहाँ से दोबारा हम लोग दूसरे बार गए हैं ये गढ़गंगा, और हम लोग के राजनगर स्टेशन से वहाँ तक की दूरी 80 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर जाना 80 किलोमीटर आना, और बीच में 2 टोल पड़ता है। और उसके बाद मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं। आपको संडे वनडे को कभी छुट्टी है तो आप बना सकते हैं प्लानिंग, जो दिल्ली NCR में रहते हैं तो लोग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार के लिए तो कम से कम 2 दिन के लिए टाइम हो तो ठीक है, तो नहीं जा सकते तो यहाँ गंगा जा सकते हैं। तो ऐसा रहा, और हम लोग सबको अभी थक गए हैं बिल्कुल धूप में गर्मी में परेशान होकर, और अब दोपहर की खाने की तैयारी हो रही है। और मैं इसीलिए आज के वीडियो में ये अभी इसीलिए यहाँ क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि शाम का फिर एक प्लान है बाहर जाने का, और क्या प्लान है सो मैं उसी ब्लॉग में बताऊंगी। तो इसीलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज लेके बच्चों के साथ, ठीक है। तो अब क्योंकि 2 दिन बच्चे रहने वाले हैं तो 2 दिन में 3 दिन में हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारा एंजॉय कर लें और टाइम स्पेंड करने के साथ साथ रहने का। और जो आज शाम का जो ब्लॉग है वो कल बट सावित्री है, तो बट सावित्री का पहले आएगा, उसके बाद फिर उसके बाद उस ब्लॉग को मैं डालूंगी, क्योंकि बट सावित्री का सेम डे मैंने कि आना ठीक है, क्योंकि फंक्शन है तो उसका उसी उसको लेट करना ठीक नहीं होगा। तो आज के शाम का जो ब्लॉग है ना उसके बाद आएगा, तो मेरी वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और प्लीज अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ जल्दी ही आप लोगों के साथ, बाय। देखिए सीटी दे रही है तो खाना स्टार्ट हो गया।